फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लोरेल पेरिस का फॉल रेसिस्ट 3X कंडीशनर एंटी हेयर फॉल। ये एंटी हेयर फॉल के लिए कंडीशनर आता है विद आर्जिनिन एसेंस, नरिशेस हेयर फ्रॉम रूट्स टू टिप, या आपकी रूट से लेकर टिप तक आपके हेयर को नरिश करता है। फ्रिजाइल हेयर टेंडेंसी टू फॉल, मतलब कि अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं, अगर आपके ब्रेकेज हो रहा है तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो ये इस तरीके की ब्लैक कलर की बॉटल में आता है। इसके ऊपर फ्लिप फ्लॉप वाली आपको ओपनिंग मिलेगी, पिंक कलर की इसकी कैप है, ये देख सकते हैं आप, और इसके अंदर आप आसानी से प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इसका जो शैम्पू आता है वो थोड़ा रनी टेक्सचर में आता है, लेकिन जो इसका कंडीशनर है ये बिल्कुल भी रनी नहीं है और बहुत ही अच्छे से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके बालों से फ्रिजीनेस को ख़त्म कर देता है, बालों को सिल्की और शाइनी बना देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम वाला फॉर्मूला है, वाइट कलर का आपको अंदर प्रोडक्ट मिलता है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्मूला है इसका। बहुत अच्छे से आपके बालों को सिल्की शाइन बनाता है और जितनी भी फ्रिज होती है उसको ख़त्म कर देता है। इस तरीके का आपको अंदर प्रोडक्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। आप इसको फ्लिपकार्ट, नायका या लोरियल की साइट से आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो 229 रुपीज़ है और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो 180 ml का प्रोडक्ट मिलता है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 साल की है, तो इसको आप आसानी से आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको शैम्पू अप्लाई करना है। शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद आपको अपनी स्कैल्प पे इसको अप्लाई नहीं करना है, आपको लेंथ से लेकर टिप तक आपको इसको अप्लाई करना है। और उसको 2-3 मिनट छोड़ देने के बाद, बालों पर लगा रहने देने के बाद, इसके बाद आपको अपने हेयर वॉश कर लेने हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जिस कंपनी का कंडीशनर होता है, जिस कंपनी का शैम्पू होता है, तो अगर आप उसी का कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो आप कोशिश यही करिए कि जिस कंपनी का शैम्पू यूज़ करें उसी का कंडीशनर भी यूज़ करें, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ज़्यादातर लोग जानते हैं कंडीशनर का काम क्या होता है, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि यह बालों को टूटने से बचाता है और बालों को सिल्की शाइनी बनाने का काम करता है। जिन लोगों के ब्रेकेज ज़्यादा होता है बालों में, फ्रिजी हेयर ज़्यादा होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। आपका भी जो भी आपका हेयर टाइप है, आप उसी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग अपना शैम्पू और कंडीशनर चूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर जो होता है वो हमारे हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और जो हेयर वॉश करने के बाद हमारे बालों से नेचुरल ऑयल निकल जाता है तो उसको उसमें सीबम बनाने रखने का काम करता है और बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, स्मूथ बनाता है। और ज़रूर अप्लाई करना चाहिए कंडीशनर, शैम्पू करने के बाद आप ज़रूर अप्लाई करें और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैंने रिव्यू किया लोरेल पेरिस का कंडीशनर का जो एंटी हेयर फॉल का आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और एक बार इस कंडीशनर को जरूर ट्राई करिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस कंडीशनर को एक बार जरूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाय बाय।